मैं उस हजूर साहब कृपाल के चरणों के अंदर नमस्कार करता हाँ जिन्होंने सानू आपकी याद का मौका दिता है। आप सदा ही छोटिया छोटिया और बड़िया गंभीर मसाला दे के समझाते होंगे सन कि किस तरह शेर का बच्चा किसी इजड़ चारन वाले दे पेड़ा बकरियां वाले दे हाथ आया, उसने घर विच लिया के पेड़ा बकरियां का दुध पिलाउन लग गया। वो उस तरह की वो बोली बोलन लग पाया क्योंकि रोज की सोभत हो रही सी। किसी शेर ने देखा कि भी ये साड़ी नस्ल का जानवर है, फिरदा ये भेड़ा विच है, उसनु आके समझाउंदा है कि भी प्यारिया तू तो शेर है भेड़ नहीं। वो मनन वास्ते तैयार ना होया। अखीर वो कहिंदा तू चल मेरे ना पानी ते चल के खड़ा हो, आप आपो अपनी शक्ल देखते हैं। जब उत्थे देखिया वो कहिंदा क्यों भाई देख तेरी मेरी शक्ल एको जी है या नहीं, मैं भी बोलता तू भी मेरे तरह बोल। जब दोने गरजे शेर भी भज गया, दोने गरजे भेड़ा भी भज गई, और जो चरवाहा सीगा वो भी भज गया क्योंकि पहला उसने भेड़ का बच्चा समझिया। जब पता लग्या भी नहीं ये तो शेर का बच्चा है। इस तरह संत महात्मा आके सानू यही कहते हैं कि तुसी अपना आप पछाणो। जिस तरह वो शेर उस पानी उत्ते ले जाके शक्ल बखाउंदा सी, तो संत सतगुरु भी सन इसे तरह ही कहते हैं कि तुसी अपना आप पछाणो, तुहानू पता लगेगा के थोड़ा आस्था उही है जो परमात्मा का है। किसी वक्त तुसी ऐसे भंडार विच सो जिते कि शांति सी, तुसी मन दे वस हो के मन ने थोड़ी इंद्रिया दे वस किया है। वो इंद्रिया भेटा हैं जिन्हां दे विच साडी आत्मा मिठे खट्टे सारे स्वाद चख रही है। तो मन का चरवाहा है, तो जदों भी संत आउंदे है वो इस नूं इहदा करा कराणा पर बोली दसन वास्ते आउंदे है, अपना आप पछाणन वास्ते आउंदे है। गुरु और शिष्य का जो रिश्ता है ये बड़ा गूढ़ा है, ये बयान विच नहीं आ सकता। सानू पता है कि एक दिन असी जिथे भी जाके पैदाइश लेने हैं अंत हुंदा है। जदों अंत हुंदा है साडा बहुत सारा समाजां दे नाल लगाव हुंदा है, बाल बच्चियां दे साथ हुंदा है, धन दौलत दे नाल हुंदा है, हकूमत दे नाल हुंदा है, लेकिन अंत समय साडे साथ कोई भी नहीं जांदा, कोई साथ ही नहीं दे दिंदा गा, ना दे सकदे है। जिन्हां बेचारियां नूं ये नहीं पता कि प्राणी कित्थे चलिया है वो मदद की करनगे। मौत दे फरिश्ते दा किसे नूं ये नहीं पता कि वो किधरों आउंदा है, किधर कन्न पकड़ के लै जांदा है, वो मदद की करनगे बई। तो इस वास्ते संत कहिंदे कि असली रिश्ता जो है वो गुरु और शिष्य दा है। औखे घड़ी ना देखण दे अपना बिरध संभाले, उन्हूं आपदे नाम दा अपने बिरध दी लाज हुंदी है, वो उस घड़ी ते वो हाजिर हुंदा है। अगर तां असीं उन्हां दे दित्ते हुए नाम की कमाई पहला ही करदे हैं तो असीं जिंदे जी
अपने आप नूं पछाण लैंदे हैं जिंदे जी असीं उस टिकाणे ते पहुंच जाने हैं जिथे कि असीं बाद में जाने हैं जिहदी कि असीं आम आस ला के रखते हैं। जे ऐसा असीं नहीं करते वे आलसी बन जाने हैं दलिद्री बन जाने हैं तो सतगुरु आखिरी टाइम जरूर आपकी मौज में होता है जो ओदा बिरत होता है वो नाम का इलाज होता है। महाराज सावन सिंह कहते होंगे सी ऐसे गुरु नूं राम राम है सलाम है कि जेड़ा मौत दे वक्त साड़ी संभाल नहीं करता यही सच्ची वो संत की जानकारी है यही ओदी दया है यही ओदी परख है यही ओदी कसवटी हुंदी है। ओदा रिश्ता सब रिश्तियां तो उपर हुंदा है ना माता का रिश्ता ऐसा है ना पिता का है क्योंकि सारे रिश्तों विच गर्ज हुंदी है। सतगुरु का रिश्ता है तो बेगर्ज हुंदा है। सतगुरु वो ताकत वो इंसान वो बाडी हुंदी है जिहदे विच आप ही परमात्मा प्रगट होकर जीवां नूं आप दे नाल जोड़ता जाता है। कबीर साहब कहिंदे ब्रह्म बोले काया दे ओले काया बिन ब्रह्म क्या बोले। ब्रह्म भी काया का आसरा लैंदा है क्योंकि असीं इंसान हाँ तो इंसान का टीचर केवल इंसान ही हो सकता है और हुंदा है। गाइयां मझां सानू समझा नहीं सकदियां पशु पंछियां दी असीं बोली नहीं समझदे गे देवी देवते असीं देखे नहीं हुंदे गे जब तक साढ़े वर्गा इंसान ना बन के साढ़े सामने आवे असीं किस तरह समझ सकते हैं। हुण देखना या भावना फिर साड़ी आपो अपनी है असीं जाने हैं कई उस नूं इंसानी लेवल पर देखते हैं कई उन्हें अच्छा विद्वान समझते हैं कि बड़ा अच्छा फिलासफर है बड़े अच्छे ये बोलन जानता है बुलारा है कई ऐसे इंसान भी जानते हैं कि जिन्हों का बर्तन बनया हुंदा दिल ना दिल बनया हुंदा है वो इंसानी लेवल तो उपर देखते हैं। तो गुरु नानक देव जी महाराज कहते जा की होए भावना जैसी हर मूर्त देखी तन तैसी जैसे ऐसे ख्याल लैके ऐसे महापुरुष की संगत दे विच बैठते हैं वैसा वैसा ही सानू उहदा अनुभव हुंदा है तजर्बा हुंदा है वैसी वैसी ही सानू दया मिलती है क्योंकि 25 साल महाराज कृपाल ने होका दिता भाई देने वाले का की कसूर है सवाल तो लैन वाले का ही है। तो 45 साल महाराज सावण सिंह ने इसे लफ्ज नूं दोहराया कि जिहड़ा तुर तो ही तुहानूं देण वास्ते आ गया है यह तो हुण तुहाडे ते मनसर है। सो जैसा जैसा किसी का दिल बनया सी जैसा जैसा किसी का बर्तन बनया सीगा यह दोने ही महापुरश उन्हां दी आशा पूरी करदे गए वो अज भी करदे हैं। सतगुरु मेरा सदा सदा ना आवे ना जाए वो अविनाशी पुरश है हर जा रहा समाए शिष वास्ते वो सदा ही जिंदा है बेशक अज नाम देख के घंटे बाद ही चोला छड़ जाए तो दे मंडलां दे अंदर उपरले मंडलां दे विच आप दे शिष दी रहनमई करता रहिंदा है जब तक उस नूं उस प्रभु दी गोद विच ना अड़ पा देवे ते उहदी ड्यूटी है यही पूरे गुरु दा दया हुंदी है मेहर हुंदी है। सो ऐसे महापुरश दे नाल जदों इंसानी लेवल ते आउंदा है क्योंकि उन्हें साढ़े तरह बोलना साढ़े तरह सौना बैठना उठना किरिया साढ़े वर्गी करनी है तो सानू बड़ा ही यकीन बजना मुश्किल हो जाता है कि यह कोई परमात्मा नाल जुड़िया होया है क्योंकि संत कोई बोर्ड तो ला के नहीं रख देंगे कि भी असी पूरे हैं।
क्योंकि संसार हर किस्म के समान नाल भरिया होया है। तो महात्मा कोई निशान नहीं रखते, लेकिन जब वो प्रेम विच आउंदे है, मस्ती विच आउंदे है, तो अपना आप लुको के भी कुछ नहीं रखते। वो सेवक होते जो चाहवान है सब कुछ प्रकट कर देते हैं। कबीर साहब ने कहा सी कि इस नाम नूं पाके इस गंढ नूं खोलना, क्यों भाई नहीं परक नहीं पारकू, नहीं गाक नहीं बोल, इस वस्तु के गाहक बड़े घट है, जेड़े गाहक नहीं वह परख नहीं सकते। एक अचंभौ देखिया हीरा हाट पकाए, ये अचंभौ है, वो जगह जगह जाके होका दिता है। पंजन हारे बाहर कौगी बदले जाए, प्यारे हो ये हीरे नु सारे है, लेकिन परखण वाले थोड़े होंगे हैं। ये नहीं कि उन्होंने परख्या नहीं किसी ने, गुरु नानक नु अंगद ने परख लिया, कबीर ने धर्मदास नु परख लिया, सावन नु परपाल ने परख लिया, जो चाहवान है रत्ना जो परख लेते हैं वो पारकू होंगे हैं। तो महापुरुष जब गुरु नानक कहते हैं आते हैं तो प्यार के नाल सन हर हीले हर हालत के विच वो समझाते हैं। पर महाराज साधु सिंह कहते हुए सी विरले विरले नक होंगे है जेडे उन्हां विचों महक लेंदे हैं वाशना लेंदे हैं। बेशक साढ़े सब के नक तो लगे है, लेकिन महक लेने वाला कोई भी नक होंदा है। आप कहते सन कि पहाड़ी की चढ़ाई चढ़ रहे थे, अप्रैल का महीना सी, तुरे जाते सन यकायक महक आने लग गई, खुशबू जिहड़ी सी उह बढ़ती गई जैसे जैसे अगे जाइए, कि दिल च ख्याल आया कोई लड़का वाला भी होने वाला नहीं, इन्नी खुशी हो गई, कोई अहुदा तरक्की भी मिलने वाली नहीं कि जिहदी इस तरह की खुशी हो गई। जब अगे गए तो मस्त फकीर बैठा सीगा, वो फकीर ने कहा कि कोई कोई नक होंदा महक लैण वाला, क्योंकि दिल नूं दिल जानदा है, उहदी अख बनी हुई सी। इसे तरह महाराज कृपाल वाकया सुणाउंदे हुंदे सी अमृतसर दा कि महाराज सावन सिंह दुनी चंद नागपाल की कोठी विच बैठे, उत्थे इक सिख प्रेम विच आया कि महाराज जी कित्थे है, तो महाराज कृपाल उत्थे सन, वो कहिंदे भाई साहब जी किवें आए हो, वो कहिंदा कि रात नूं सुपने विच ये महात्मा मिले सन, ये अपना पता दस के आए सी, नोट कराया सीगे कि मैं फलानी जगह हाँ, तू मैं उत्थे मिला के। तो छपाउंदे भी नहीं, तो जब आप राती अंदर गए उत्थे मस्त फकीर आया, वो बड़ा हौसले का तुरे आया, महाराज के चरणा से मत्था टेक के उसे तरह बाहर भज गया। लोगों ने पूछा कि तू इतना खुशी है, खुशी खुशी गया, खुशी खुशी आ गया, वो कहना मैं मेरा यार लग गया। तो इस वास्ते लुकाते भी नहीं, लेकिन जेडे असी दुनियावी लेवल से वेखते हैं वो असि इंसान समझते। मैं दसदा हूं एक पढ़िया लिखा भी इंसान है, एक जज भी इंसान है, एक मुरजम जो अगे हाथ जोड़ी खड़ा है वह भी इंसान ही है, लेकिन उन्होंने पदवी का उन्होंने क्लासीफिकेशन का बड़ा फर्क हों। सो संत अंदरों परमात्मा के नाल जुड़ के परमात्मा रूप हो बैठे होंगे हैं, वो परमात्मा के नाल प्यार पा के परमात्मा के प्यारे बच्चे बन जाते हैं। पिता कृपाल आग्या यकीनी आर्क मुख मांगे सो देना, सो कबीर साहब का तुहाडे अगे छोटा जिहा शब्द रखा जाता है, गौर नाल सुन वाला है। कबीर साहब के शब्द नंबर 14 संतां दी बाणी पन्ना 97।
गुर से लगन कठन है पाई, गुर से लगन कठन है पाई, लगन लगे बिन काज न सर है, जीव परले हुए जाई। आप कहते लगन तो बड़ी कठिन है, लेकिन दिल ना दिल बनाए बगैर छुटकारा भी नहीं होता। जमण मरण दे विच असीं लगे ही रहने हैं। इस ताणी चो ना असीं अज तक निकले हैं, उलझे सूत दे विचो ना अपने आप निकल ही सकते हैं। कोई सुलझया होया इंसान, कोई जुड़िया होया इंसान मालक दा प्यारा मिले, असीं उहदे नाल बैठ के दिल ना दिल बनाइए, तद असीं उस नूं पछाणदे हां। बड़िया बड़िया लोगों ने कोशिशां कीतियां, घर बार छड्ड दित्ते, जंगलां च चले गए, खाना छड्डता, विषय विकार छड्ड दित्ते, सुक के रड़ दी तरह शरीर कर ले, लेकिन उस प्रभु ने दर्शन ना दिते, आखिर दिलगीर हो गए। मन फिर वस्ती विच लै आउंदा है, क्योंकि कोई रस्ता देन वाला, कोई पूरा महात्मा जिंदगी च ना मिलिया। हंकार होया कि असी घर बार छड्डिया है, असी त्यागी हां, असी इतने साल तप किया है। प्राणा के अंदर बड़ी अच्छी कथा आती है कि विशिष्ट और विश्वामित्र के अंदर बड़ी बहस छिड़ी। वो कह लग्या कि तप अच्छा है, वो कह लग्या किसी पूर्ण महात्मा की संगत अच्छी है। तो वह अपना न्याय कराने वास्ते वर्मा जी के पास गए। वर्मा जी ने सोचा कि दोनों जबरदस्त है, शिवा पाज भेज दिते। शिवा ने भी देखा ये दोनों ही जबरदस्त है, मैं इन्हों का न्याय नहीं कर सकता गा। उन्होंने विष्णु भगवान के पास भेजे, विष्णु भगवान ने शेष नाग के पास भेज दिते कि वह तुहाडा न्याय करेगा। जब शेष नाग के पास गए, कह लगे भी तू साडा फैसला कर कि किसे पहुंचे महात्मा की संगत अच्छी है या तप अच्छा है। वो कह लग्या मेरे उपर धरती का बड़ा भार है, अगर तुसी इस थोड़े चिर वास्ते चुक लो तो मैं तुहाडा न्याय वेला होके कर सकदा। तो विश्वामित्र ने 10,000 साल का तप कहा मैं दिना है, धरती चुकी जाए, धरती नूं कोई पता ना लग्या। 20,000 का लाता, 30 का, 40 का, आखिर 60,000 उन्होंने साल तप किया, सारा ही लगा दिता। धरती थोड़े चिर वास्ते उपर उठी, लेकिन फिर उत्थे टिक गई। तो विशिष्ट जी महाराज ने कहा कि मैं 2.5 घड़ी का सत्संग का फल दिना है। तो धरती उपर उठ खड़ी, शेष नाग वेला होया। तो विश्वामित्र बड़ी काली नाल कहण लग्या भी तू साडा हुण फैसला कर। वो कहिंदा भी फैसला तो अपने आप ही हो गया, तेरे तप नाल धरती उपर ना खड़ी हुई, तो इहदे सत्संग दे फल नाल उपर खड़ी हो गई है। तो कबीर साहब कहिंदे है, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी हूं ते आद, कबीरा संगत साध दी कटे कोट अपराध। करोड़ों अपराध
असी कितने मैले कुचैले आदमी हुंदे हैं, जिसनू भी सोझी आउंदी है, समझ आउंदी है, सत्संग दे जरिए आउंदी है। सत्संग दे जरिए ही असी शराबी शराब छड़दा है, ऐबी ऐब छड़दा है, चोर चोरी छड़ जांदा है, बड़े बड़े जिन्हां दी किते दवाई नहीं हुंदी, किसे कमाई वाले दी संगति उन्हां दा जीवन पलट के रख दिंदी है। सो इस वास्ते प्यार नाल समझाउंदे है कि जिंदगी च कोई ऐसा महात्मा मिल जावे। कबीर साहब कहिंदे है कि असी उहदे नाल दिल बना लईए, तो तद ही कहण लगे असी जीवन दा जो फल परमात्मा ने सानू बख्शिया है, उत्तम फल, उत्तम मौका, हीरे जैसा, ए हीरे जैसा जन्म है, विषय बकार कौडियां है। आप कहते कौडी बदले जाए, ये कौडियां बदले, विषय बकार कौडियां हैं जी। लगन लगे बिन काज ना सारे है, जीव पर ले हुए जाई, जैसे पपीहा प्यासा बूंद का, पिया पिया रट लाई। बड़ी अच्छी मिसाल दिंदे है कबीर साहब के भी गुरु सिख दी केह जी प्रीत हुंदी है, सिख का की ड्यूटी है। पपीहा प्यासा होता है, वो पानी वास्ते रट ला लेता है, नदियां नालियां दा कितना भी पानी क्यों ना बगदा होवे वो नहीं पिएगा, क्योंकि उन्होंने कुल नू लाज लगती है। तो आप कहन लगे सिख का भी धर्म है, चलता है, फिरता है, जवान ते उन्हां दा दित्ता होया सिमरन ते अखां दे अगे उन्हां दी मनमोहणी मूरत होवे तद ही उह कभी इस तरह गुरु नूं याद करदा है। जे समय दा तां किहदा सुपना आएगा, फिर किहदी याद आएगी? सुपने च प्रणामांगे ते धन गुरु, हे सतगुरु तैनूं नमस्कार, इही निकलेगी। कबीर साहब कहते सुखने हूं पर लायके, जे मुकनिक से नाम हराम, ताके पक्के ही पन ही मेरे तन को चाम। अगर कह दे सुखने दे विच बरड़ा के भी उस प्रभु दा नाम आंदा है, मैं अपना तन उहदी जुत्ती वास्ते पेश करदा हां। ते उहनां नूं कदर सी नाम दी, परमात्मा दी कदर सी उस महात्मा नूं। हुण साडे मूंह चों की निकलदा सुत्यां दे जदों बरड़ाउंदे आ, पकड़ो पकड़ो मारो मारो, की है साडे दे काट कि असी गुरु की इतनी याद नहीं बना रहे। दिता हुआ सिमरन नहीं, फिर शिकायत करते हैं कि महाराज जी साडा भजन नहीं बनता, मन नहीं लगता, उन्हां दे विच आही कसर है। स्वामी जी महाराज कहिंदे जो जो चोर भजन दे प्राणी, से से दुख सहे, आलस नींद सतावे उनको नित नित भरम वहे, काम क्रोध के धक्के खावे लोभ नदी में डूब मरे। जेडे भजन दे चोर है उन्हां दी की हालत है भाई, वो या काम विच फस जाणगे, या क्रोध दे शिकार हो जाणगे, या लोभ दे शिकार हो जाणगे, या कोई ना कोई अंदर बैठा मन भरम पा देवेगा। कबीर साहब कहिंदे मैं जाना मन मर गया, मर के होया भूत, मोया पिछो लग उठे ऐसा मेरा पूत। कोई मन नू जितना, मन दे उते काबू पाउणा कोई खाला जी दा वाड़ा नहीं, ये कोई खेल नहीं गा। सतपुरां ने सिर्फ सानू अक्षरी नहीं दसे, उन्होंने शब्द धुन दे नाल सेवक नू लैस किया होया, मन दे नाल संघर्ष करन वास्ते लैस किया होया है। सो इस वास्ते आप प्यार नाल कहिंदे है किस तरह का मेरा गुरु नाल प्यार है, जैसे प्यासा पपीहा बूंदा
वो पिया पिया पानी पानी मुंह जो करता है जी। जैसे पपीहा प्यासा बूंदे का पिया पिया रट लाई, प्यासे प्राण तलब दिन राती और नीर ना पाई। कबीर साहब कहने लगे असी एक बारी गंगा दे किनारे ते फिरदे सी, पपीहा प्यासा गंगा विच गिर गया, प्राण दे दिते पर उन्हें चुंझ नहीं खोली कि मेरी कुल नू लाज लग जाएगी। एक जानवर दी तुसी देखो कैसी प्रतिक्रिया है। तो असी भी पहला माता दे पेट विच जद पुठे लटकते हुंदे हैं, गुरु नानक ने कहा मुख तले पैर उपरे, मुंह थले है पैर उपर है, वसंदा को हतड़े थाओ नानक सो धनी विसारिया, उधर जिसका नाओ उत्ते साह साह दे नाल उन्हें याद करते हैं कि साड़ी तू बंद खुलासी कर, सानू कैद चो बाहर कर, तेनू याद करांगे। उत्ते असी दसवंदा भी करार करते हैं तो 24 घंटे भी 2.5 घंटे बनते हैं, पैसों का सरबंध दसवंत असी सारे कढ लैने हैं, कोई तनखा चो कढ़दा कोई खेती चो कढ़दा है, ये आसान है। लेकिन वक्त का दसवंध फिर असी गुरु तो नाम लेके उत्थे भी इकरार करते हैं कि जी असी रोज 2.5 घंटे भजन करांगे, डेयरी भी रखांगे। तो डेयरी अपने आप नूं सुधारन दा बड़ा ही अच्छा नुक्सा है, फार्मूला है, जिंदगी नूं बटाउण दा इक किस्म दा रोज नामचा है। तो आप प्यार ना कहते हैं कि पपीहे ने प्राण दे दिते और नीर नहीं पाया। महाराज सावन सिंह अपनी एक जीवन घटना सुनाते होंगे सीगे, एक लड़की सी ना मिलिया सी शादी तो पहला, अच्छी कमाई की, बड़ी भरोसे वाली लड़की सी, बाबा जी अंदर प्रगट सन। शादी हुई, अगला जो परिवार सीगा वो सत्संगी नहीं सीगा, तो किसी ना किसी नूं तां जी मनदा ही है। वो आम तौर ते गंगा जांदे सीगे, उत्थे लै गए तैनू जाना पएगा, वो चली गई। जो उत्थे घटना हुई वो महाराज सावन सिंह नूं दसण लगी, अलग टाइम ले लिया, कहन लगी जी जब मेरी शादी हुई मैं जाके तो कुछ नहीं सी पर घर वाले मैनू लै गए, उत्थे जिहड़ी गंगा मैया ते मूर्ति बनी सी मैनू कहिंदे तू इहनू मत्था टेक, मैनू पैसा दे दिता। उस जमाने च तांबे की काफ़ी मजबूत करंसी हुंदी सीगी, किसी दे मारगे ते चोट लगती सी। उन्होंने कहा कि तैनू इस नू मत्था टेक, मैं कि उस नू मत्था टेकिया। महाराज कहिंदे फेर बस के फेर की सी, तू अलोप हो गया। महाराज जी कहिंदे तू कन्ना नू हथ ला, तू क्यों इष्ट बदलिया। वो कहिंदी तू भी कन्ना नू हथ ला कि मैं फेर नहीं कदे छुपूंगा। सो जिन्हां दा इतना प्यार हुंदा है उन्हां दे गुरु उजाड़ां च पहाड़ां च जंगलां च कोई ऐसी जगह नहीं कि जिथे वो ना आवे, ना सेवक दे नाल हो। मैं अपनी जीवन घटना अपने सतगुरु महाराज कृपाल दी दसदा हुंदा कि पंजाब दे अंदर पिंड टपाली है, साडी उत्थे रिश्तेदारी सी, मैनू जाण दा मौका मिलिया। उत्थे एक बाबा अच्छा कमाई वाला सी, काफ़ी जटा जुटा बेचारे दे रखियां सन। उसने जल तारा किया, जल तारा दसंबर के महीने जब बाली सर्दी होंदी है उदों सिर दे उत्ते उपर पानी पाउंदे है, काफ़ी टाइम पानी पाउंदे है।
ਉਹ ਕਰਿਆ ਕਾਫੀ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਨਹਿਰ ਦੀ ਪਰੜੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੈਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲਿਆ, ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬਾਬੇ ਨੇ ਜਲ ਧਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਜਦ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਕਾਫੀ ਉਹਦੇ ਸੇਵਕ ਉੱਥੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਸਨ, ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਭੁੰਜੇ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਇਹਦੇ ਸੇਵਕ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠਣਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਭਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਬੋਰੀ ਮੰਗਾਈ। ਉਹਨੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਚਿੱਟੀ ਦਾੜੀ ਵਾਲਾ ਖੜਾ ਦੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ 10 ਦਫ਼ਾ ਕਿਹਾ। ਔਰ ਆਪਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਕੋਈ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਅੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰਦਾ ਕੋਈ। ਜੀ ਪਿਆਸੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਲਬ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਔਰ ਨੀਰ ਨਾ ਪਾਈ, ਜੈਸੇ ਮਿਰਗਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਨੇਹੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨ ਕੋ ਜਾਈ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਨੇ ਪ੍ਰਾਣ ਦਾਨ ਦੇ ਤਨ ਕੋ ਨਾਹਿੰਦਰਾਈ। ਹੁਣ ਆਪ ਮਿਰਗ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਬੀਕਾਨੇਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮਿਰਗ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਰਾਜਾ ਅੱਛਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਦਮੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਵਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਬੜੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਮਿਰਗ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ। ਤੋ ਮਿਰਗ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੋ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵਾਜਾ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੋ ਮਿਰਗ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਉਸ ਵਾਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਸਤ ਹੋਇਆ, ਉਧਰੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਗੇ। ਤੋ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਵਾਜੇ ਤੇ ਮਸਤ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦੇ ਗੋਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਿਰਗ ਦੌੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਗਾ, ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਕੀ ਕਰੇ ਕਿ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਉਹ ਮਸਤ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਕੀਮਾ ਕੀਮਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂਡੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਬਈ, ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਆਸ਼ਕੀ 'ਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤੋ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੱਸਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਇਤਨਾ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੁੱਤੇ ਜਾਗਦੇ ਬੈਠੇ ਉੱਠੇ, ਤੋ ਸਾਡਾ ਜਾਤੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਚੱਖੜ ਵਗਦਾ ਹੋਵੇ, ਪੌਲੇ ਪੜਦੇ ਹੋਣ, ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬੂਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਰੱਟ ਲਾ ਲਓ, ਤੜਫ ਲਾ ਲਓ, ਉਹ ਵੀ ਪਿਆਰ ਦਾ ਬੱਝਿਆ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੋਏਗਾ। ਪੈਗੰਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਮੈਂ ਧਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਮੈਂ ਧਰਤੀ 'ਚ ਸਮਾ ਸਕਦਾ,
ना मैं अखबारा से संभाल सकता है ना किसी होर कुंदरा विच संभाल सकता है, पर हैरानी की गल है मैं भगतां दे दिल विच समा जाना है। तो कबीर साहब कहते हैं, मन मेरा पंखी पिया उड़कर चढ़े आकाश, स्वर्ग लोक खाली पड़िया ते सहब संतां पास। वो तो भाई आपके प्यारियां दे पास है जी। शब्द सुने और प्राण दान दे, तन को नहीं डराई, जैसे सती चढ़ी सत ऊपर, पिया कीरा मन पावक देख डरे बहनाई, हंसत बैठ सरामाई। संत सती दी रस्म देते सदा ही खुलाब रहे हैं, लेकिन फिर भी हिंदुस्तान के अंदर वो जमाने विच बड़ा रवाज सीगा, राजस्थान दे विच हुण भी कदे कदे कोई वाकया हो जाता है। संत कोई भी आत्मदाह दे हक विच नहीं हुंदा गा। महाराज सावन सिंह कहिंदे हुंदे सी, जो जीवन तुहानू दित्ता है तुहाडे कर्मां मुताबक, विंगा है टेढ़ा है दुख है भुख है, वह सास पूरे करो उहदे हुकम विच, इसे च भला है। जे आत्म घात करोगे तुहाडा गुरु ही तुहानू नहीं बख्शेगा, वह भी पुट्ठा टंग देवेगा। महाराज सावन सिंह कहिंदे आत्म घात करना तो किसी सोचना भी नहीं चाहिए गा, आत्म घाती महापापी। गुरु नानक कहिंदे औरत केड़ी सती है बई, सतिया ए ना आखिए जे मढ़िया लग जलन, सतियां से नानका जे बिरे झूठ मरन। जिन्हां दे दिल दे अंदर तां कौ होवे, लेकिन जेड़ा कम उहदा पति छड गया है बाल बच्चे नूं पालना, वह बहादुर बन के पाले उस कम नूं अगे तोरे, वह सती है। दिल खुड़कदा रहे कि मैनू मेरा पति जेड़ा सी वह छड गया, लेकिन उस जवाने की जिहड़ी रस्म सीगी की सी कि जदों घरों सती होने वास्ते निकलती सी, अगर वह अग्नि का सेक देख के भज जाती सी तो हिंदू लोग उन्हें आपके घर में नहीं रखते, पंगियां के हवाले कर देंगे। तो इस वास्ते संत तो इस चीज के इस रस्म के खिलाफ है, लेकिन थानू यह मिसाल दिता कबीर साहब कि किस तरह अग्नि के सेक तो नहीं डरती, की किन्नी लोक लाज है कि जे मैं मरूंगी ता ही मेरी जान छुटती है। कई ऐसिया भी रस्म कहानियां सुनते रहे हैं भी अगर कोई औरत ना सड़े तो चुकी ही सड़ सड़ सिट देंदे सीगे। तो कबीर साहब दसदे आ भी किस तरह अग्नि दे विच अग्नि नूं देख के ही विच जा पैंदी है। तुम्हारा सावन सिंह सती दी आम तौर ते कहानी दसदे भी असली सती कौन है, जे उहदे दिल अंदर सच्ची बिरह है तो जद पति दी मौत सुनदी है उदों ही प्राण निकल जांदे है। ऐसी घटना राजे भरथरी दी सुनाउंदे हुंदे कि राजे भरथरी ने एक दिन आके महला विच राणी दे पासे गाथा सुनाई कि एक औरत पति मर गया उहदी चिखा दे उत्ते सड़ गई। राणी कहण लगी राजा वह फिर अगे सती नहीं सी, जे असली उहदे दिल अंदर बिरे हुंदी तां जदों उहने मौत सुनी सी उस वेले प्राण त्याग दिंदी।
राजा सोची पै गया कि इन कलमा बड़ा उच्चा क्या है। देखिए तो सही, एक दिन शिकार नू गया, उथो किसे जानवर नू मार के खून ना कपड़े पगो के घर नू भेज दिते कि तू राणी नू कह दी। राजा गुजर गया है, शेर ने मार दिता है, शेर का सामना हो गया। राणी ने जद सुनिया कपड़े देखे पति दे, उथे प्राण त्याग दिते। राजा आया, दिल झुंझलाया, दियो हो ये तो सचमुच जो कहिंदी सी उही कर विखाया। पछताया, फिर पछताया की बनता है। आखिर होर शादी कराई, वो शादी दियां कहानियां तुसी आम तौर दे उत्ते किताबां विच पढ़ते हैं। इस तरह सी के एक साधु जंगल विच गया, उसनू कोई फल थियाया। वो पारकू सी, वो फल दा ए सी तशीर गुण कि जेड़ा खावे बुढ़ा आदमी भी सदा लई जवान रवे। वो साधु ने सोचा कि राजा बड़ा धर्मात्मा है, परतरी न्याय करता है, प्रजा नू बड़ा सुख होएगा। वो लिया के फल वो राजे नू दे दिता। राजे ने सोचा कि शायद मेरी पहली राणी जैसी होएगी, उनू देइए। उन्हें फल उसनू दे दिता। जेड़ी राणी सी उहदा अगे प्यार कोतवाल दे साथ सीगा। उन्हें सोचा कि मेरा यार जड़ा है यही जवान रवे ते अच्छा है। उन्हें वह फल कोतवाल नू दे दिता। कोतवाल अगे एक वेसवा दे पास जांदा सीगा। उन्हें वह फल वेसवा नू जा दिता। तो वेसवा ने सोचा कि मैं तो सारी जिंदगी हरामकारियां कर दी हैं, बड़े पापा दे पारे सिर ते रखी जानी है, क्यों ना यह फल राजे भरथरी नू दे देवां कि जिहड़ा बड़ा धर्मात्मा है, प्रजा का बड़ा फायदा होएगा। उन्हें वह फल राजे भरथरी नू आ दिता। हाथ जोड़ के राजे भरथरी ने फल नू पछाण लिया। जब वह फल नू पछाणिया तो उसने वेसवा नू पुछिया प्यार ना ये फल तेन किने दिता, कितों मिलिया है। वो कहिंदी जी कोतवाल तुहाडी जे नौकरी करदा वह मेरे पास आउंदा है। कोतवाल नू बुलाया, ये भी तेन फल कितों मिलिया। पहला तो कोतवाल जिहड़ा सीगा इधर उधर दियां मारन लग्या, टालन लग्या बातां नू। जद राजे ने धमकाया तो फिर बक पिया भी राणी तो मिलिया है। तो राजे ने अपने आप नू तरकार मारी कि मैं जेड़ी ताजी औरत सी वह तो प्रत्यावा लैण की खत्म कर दिती। और फिर गए राणी दे सी जिन्हें राजे नू छड़ के एक नौकर दे नाल प्यार पाया। फिर गए कोतवाल दे है जिन्हू राणी मिली ते फेरे वेसवा दे जांदा है। तो आखिर वराग ले लिया। ऐसी चोट भी किसे किसे दे अच्छी आत्मा नू लगती है संसार दे विचो जिहड़े भगती दी तरफ जांदे है। जी पावक देख डरे वह नाही, हंसत बैठ सरा माई, दो दल सन मुख आन जुड़े योध्यां दी मिसाल दिंदे है कि जिस तरह सूरमे मैदान विच निकलदे है, क्योंकि पिछले जवानां दे अंदर तलवारां दी लड़ाई सी, आमो सामने दी बाहूबल परखिया जांदा सी कि कौन सूरमा कौन जवान है। वो बहादुरी दी लड़ाई सी। अज लड़ाई जो है ये धोखे दी है। बंदा किते बैठा है और तबाही किते करदा है।
जवान ना कारोबार चल रहा है, दमाकी लड़ाई है। तो कहन लगे जब आमो सामने सूर में मैदान विच आ जाते हैं, जब उस वक्त कोई मैदान नू देख के तलवारा वजदियां नू देख के कहल हुंदियां नू देख के डरदा चलिया जाता है, हट जाता है, हथियार सिट जाता है, उहदा अपजस हुंदा है। लोग उसकी निंदा करते हैं कि भी एवें सूरमा का हुंदा सीगा, तो रण नू देख के तो यह भज गया है, उन्हूं कहर कहणगे जी। दो दल सन मुख आन जुड़े हैं, सूरा लेत लड़ाई टुक टुक होए गिरे तारन पर, खेत छोड़न परन करके आंदा है, शरीर दे पुरजे पुरजे हो जाते हैं, लेकिन मैदान चो नहीं जाता। सिख इतिहास के अंदर बड़ा जबरदस्त इस दे प्रताए आंदा है कि कंघी अगर अपने आरी ना हड ना चरावे तो सिर दे उत्ते सवार नहीं हो सकती जी। मोती अपनी छाती विच छेक ना पवाए उन्हूं कोई हार विच नहीं लाउंदा गा। तिल अगर कोलू दे विच अपना आप ना पड़ाए कोई उहदा तेल दा मुल नहीं पाउंदा गा। शेर सीधा जाण तो अगर रुक जावे उन्हूं कोई मर्द दलेर नहीं कहिंदा गा। इसे तरह जे सिख हो के धर्म नूं लीक आवे ते उन्हूं कोई सिख नहीं कहिंदा गा, उन्हूं गुरु मूंह नहीं लाउंदा गा। सिख हो के धर्म नूं लीक लावे, मूंह लावे ना गुरु करतार उन्हूं। सहजो बाई ने कहा सीगा के परमात्मा मुंह फेर जावे करों कट देवे ते गुरु बख्श दिंदा है, वो फेर ले जांदा है जी। ये माफी मंगण वास्ते आया है, इस नूं तुसी बख्श दिओ, पर गुरु दे फटकारे नूं कोई जगह ही नहीं। तो जिस तरह ये कहन लगे सूरमा बदाने दे जंग विच जाके मरदा जां मारदा है वो आपदा मैदान नहीं छड़दा गा। तो सिख दा मैदान केड़ा भाई, सत्संगी दा केड़ा मैदान है? ये दोनों अखां दे दरमियान तीसरा तिल, इत्थे किहदे नाल लड़ाई करनी है? काम है, क्रोध है, लोभ मोह हंकार। गुरु नानक ने कहा नहीं ते पंज जवान गुर थापी दित्ती कंड जीओ। ये भी बड़े जबरदस्त योद्धे है, पर सत्संगी दी पिठ ते सिख दी पिठ ते पूरा गुरु हुंदा है। क्योंकि काम क्रोध लोभ मोह हंकार दी जो बैठक है वह अखां दे पिछे है, असूल सूक्ष्म त्रिकुटी विच है। जिन्ना चिकर असीं उहदे थले थले हैं इन्हां नूं असीं जे कहीए भी असीं जित लिया है, ये जिते नहीं जांदे गे। एक साडे मन दा धोखा हुंदा है, इस तरह हुंदा है जिवें असीं सुलगदी हुई अग दे उत्ते थोड़ी बहुती राख पा दिंदे आ, कुछ चिर वास्ते वो टकी रहिंदी है, जद हवा आउंदी है वह अग फिर मच पैंदी है। इसे तरह अगर असीं थोड़ा बहुता पढ़ पढ़ाई करके ये कहीए कि असीं मन नूं वस कर लिया, जद फिर भोगां दी अंधेरी चलदी है, विशे विकारां दी अग भड़कदी है, उद दूनी होके भड़क उठती है। टुक टुक होए गिरे तारन पर, खेत छोड़न जाई, छोड़ो तन अपने की आसा, निरपै होए गुण गाई। ना कहो कि तन च कोई नुक्स पै जाएगा भजन करन दे नाल। कहण लगे ने तन नूं तंदरुस्ती मिलेगी, आत्मा नूं बल मिलेगा, ताजगी मिलेगी। छोड़ो तन अपने की आसा, निरपै होए गुण।
ਆਈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਗਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਨਾਮ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੇਖੇ ਨਹੀਂ। ਜੈਸੇ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਭਰ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਤੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੋਹਫਾ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਮਤ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਮਤ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੁਧਾਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੈਲੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਤੀਸਰੇ ਤਿਲ ਤੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਤਿੰਨੇ ਪੜਦੇ ਅਸਤੂਲ ਸੂਖਸ਼ਮ ਕਾਰਨ ਉਤਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਆਤਮਾ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਂ ਈਸਾਈ ਹਾਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਨਾ ਔਰਤ ਦਾ ਭੇਦ ਹੈ, ਨਾ ਮਰਦ ਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਅਮਰੀਕਨ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ, ਸੱਚੀ ਇੱਜ਼ਤ ਉੱਠਦੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਇਹ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਝਗੜਦੇ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਹੈ, ਮੰਨਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਅਸੀਂ। ਤੋ ਸੰਤ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਚਿੰਨਾਂ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਿਆਰਿਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਬੋਲ ਬੋਲੋ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਬੋਲੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੋਲੋ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਬੋਲੋ, ਸਲਾਮਾਂ ਅਲੈਕੁਮ ਬੋਲੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਸੰਤ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਸਮਾਜ 'ਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਗੇ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ਼ ਹੈ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰੋ। ਮਸਲਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋੜਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਬਹਾ ਉੱਠੋ, ਦੋ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਲਾਓ, ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਲਾਓ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਖੁਦ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ, ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਆਖਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੀਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਦ ਹੀ ਸਫਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾ ਲਈਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰ ਲਈਏ। ਛੋੜੋ ਤਨ ਆਪਣੇ ਕੀ ਆਸਾ, ਨਿਰਭੈ ਹੋਏ ਗੁਣ ਗਾਈ, ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਸੁਣੋ ਭਾਈ ਸਾਧੋ, ਨੈ ਤੋ ਜਨਮ ਨਸਾਈ। Nosotros esperamos de ti, de ti, de ti.